नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के आज पांचवें दिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष सदन पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव आज सदन पहुँच रहे हैं, पहुँच ही गए हैं। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। और सदन में अंदर गए हैं। इन दिनों जो भी जब से बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का मानसून सेशन शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक तेजस्वी यादव को लगातार घेरा जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं थे और इस बात को लेकर NDA के जो दल हैं वो लगातार राजद को घेर रहे थे, तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के आज पाँचवें दिन तेजस्वी यादव सदन पहुंच चुके हैं और उनके सदन में पहुंचते ही अब अटकलें तेज़ हो गई हैं कि जिस तरह से बिहार की राजनीति को हमेशा ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जो है वो पल पल बदलती रहती है, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। तेजस्वी यादव आज सदन में पहुंचे हैं और जिस तरह से बिहार में इन दिनों चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों को लेकर राजद जो है वो मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रही थी, सदन के पहले दिन से ही वो इस्तीफा मांग रही थी सदन में, और आज जब तेजस्वी यादव सदन पहुंच चुके हैं तो राजद के जो समर्थक हैं, राजद के जो लोग हैं, वो उनकी आवाज़ को एक बल मिला है। फिलहाल तेजस्वी यादव आज सदन में आ गए हैं और सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि आज पांचवें दिन जब तेजस्वी यादव आए हैं तो क्या कुछ चीज़ें अंदर में रहती हैं और बाहर में क्या कुछ चीज़ें बदल कर आती हैं। निश्चित तौर पर राजद के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी बल मिला है, जो उनका जो विरोध था, जिस तरह से वो लगातार मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहे थे, नीतीश कुमार से मांग रहे थे, नैतिकता के आधार पर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मंगल पांडे का इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन इस्तीफा नहीं ले पा रहे थे नीतीश कुमार। इसको लेकर भी राजद लगातार नीतीश कुमार को घेर रही थी कि नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं है, लेकिन आज तेजस्वी यादव सदन पहुँच चुके हैं और निश्चित तौर पर मंगल पांडे का इस्तीफा भी मांगेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि चौथे दिन जब देश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे। आज सदन के अंदर इस बात की चर्चा हो रही थी, सदन के कैंपस में कांग्रेस के विधायक कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, उसी तरह से महागठबंधन के कई प्रमुख चेहरों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के पांचवें दिन सदन पहुंच चुके हैं और अब वो नीतीश कुमार से मंगल पांडे का इस्तीफा मांगेंगे। चमकी बुखार पर राजद की ओर से तेजस्वी यादव पहली बार अपनी बात रखेंगे। देश दुनिया बिहार की छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए liveCities.in पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।